अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज फिर हम एक वीडियो लेके आए हैं। आज हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई, ठीक है। और ये आपको मैं इसका तरीका बताता हूँ। उससे पहले जो हमारे चैनल पे न्यू है, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमने मिर्चें ली हैं, हरी मिर्चें, और ये है अदरक। अदरक के बाद थोड़े पीसेस, मोटे मोटे पीसेस कर लिए हैं क्योंकि हमने ग्राइंड करना है। तो उसके बाद ये लहसुन हो गया, लहसुन के भी जितना आपने यूज़ करना है क्योंकि हम ज़्यादा मकदार में बना रहे हैं इसलिए। उसके बाद हमने प्याज मोटा काटा क्योंकि इसको भी हमने ग्राइंड करना है। अपनी मेहनत ज़ाया करोगे क्योंकि टाइम वेस्ट भी होगा, छोटे छोटे पीसेस करोगे, इससे इससे अच्छा मोटे मोटे पीस कर लो, ग्राइंड हो जाएंगे आसानी से। अब ये देखिए टमाटर है, टमाटर को हमने ग्राइंड नहीं करना, ठीक है। टमाटर को हम लास्ट में डालेंगे, ठीक है। और ये देखिए ये तीनों चीज़ें हमारी रेडी है। हमने काट के इसको अच्छी तरह से जैसे कि साफ़ करके रखा हुआ है, अब इसको ग्राइंड करते हैं। चले आएँगे, देखिए हमने मसाला, एक मसाला जो है ना, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, ये थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से ग्राइंड करते हैं। ये देखिए पानी ऐड किया है, थोड़ा सा, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। किया है इसको, ये देखें ग्राइंड हो गया है हमारा मसाला अच्छी तरीके से। और ये देखिए हमने, क्योंकि टाइम शॉर्ट है इसलिए हमने ये प्याज को भी ग्राइंड कर दिया है जिस तरह हमने दूसरा मसाला ग्राइंड किया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बीफ कढ़ाई बनाते हैं। देखिए ऑयल ऐड किया है इसमें, ऑयल ऐड करके गर्म हो गया है ऑयल। अब इसमें हम प्याज जो हमने ग्राइंड किया था वो इसमें ऐड करेंगे क्योंकि हम ज़्यादा मकदार में बना रहे हैं इसलिए ज़्यादा चीज़ें डाल रहे हैं। अब जिस मकदार में, जैसे कि 1 kg बीफ है तो उसके मुताबिक आप मसाला डालना, ठीक है। ये देखें इसको अच्छी तरह से हिलाते हैं। ये ना हो कि आप जितना हम मसाला डाल रहे हैं उतना मसाला डाल दें, किलो या 2 किलो बीफ हो, इसलिए हम ज़्यादा बीफ बना रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा मसाला ऐड करें। देखें इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं हम। ये देखें अच्छी तरह, अब तक मसाला हमारा रेडी होता है। अब आपको मैं दूसरे मसाले ऐड करके दिखाता हूँ। ये देखें, एक खाने का चम्मच लाल मिर्चें, ये देखें लाल, 1.5 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच ब्लैक मिर्चें, 1 खाने का चम्मच 1 खाने का चम्मच कड़ी पाउडर, आधा या 1 खाने का चम्मच हल्दी, एक खाने का चम्मच साबुत धनिया होता है ना, उसको ग्राइंड किया हुआ है, ठीक है, साबुदाना जिसे कहते हैं। ये देखें ये सारा मसाला हमारा रेडी है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि हमारा वो मसाला कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। चलिए आए स्टार्ट दिखाता हूँ आपको। ये देखें हमारा प्याज रेडी हो चुका है फ्राई। अब इसे और 1 मिनट तक और अच्छी तरह से फ्राई करता हूँ। उसके बाद जो दूसरे मसाले थे ना, ये ऐड करता हूँ इसमें। ये देखें ऐड कर दिए इसमें हमने, और इसको भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे हम। आप एक साथ भी डाल सकते हैं, प्याज के साथ ही फ्राई कर सकते हैं, पर इतना ये है कि अलग अलग भी फ्राई कर लें तो कोई नहीं है, ज़्यादा ये है कि अलग अलग फ्राई करेंगे तो ज़्यादा टेस्ट आएगा। ये देखें अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब 5 मिनट बाद मैंने अपने चेक किया है कि मसाला हमारा 50% रेडी हो चुका है। अब इसे और फ्राई करेंगे थोड़ा सा। ये देखें हमने फ्राई कर लिया, मिनट्स के बाद हमने आए हैं, हमारा मसाला रेडी हो चुका था। अब इसमें हमने टमाटर ऐड किए हैं, टमाटर अच्छी तरह मिक्स करेंगे और कोशिश करना है कि टमाटर साबुत जैसे कि पूरे अच्छी तरह से उसमें वो मेल्ट हो जाए। अब साथ में इसमें जो हमने दूसरे मसाले ऐड किए थे ना, जैसे कि नमक हो गया वो वगैरह, वो चीज़ें हम इसमें आएंगे। देखिए ये ऐड किया इसमें हमने, ये ऐड करके इसको अब हिलाते हैं। ये इसको हिलाना स्टार्ट किया, ये देखें हो गया रेडी। अब इसको इसी तरह ही थोड़ा वेट करेंगे, वेट करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि 5 मिनट्स बाद तो हमारा मसाला कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है।
देखें, देखता अब इसमें बीफ ऐड करते हैं। ये देखें, अब इसमें बीफ ऐड किया है हमने। वो बर्तन मैंने चेंज कर दिया ना कि वो ज़्यादा बीफ था ना इसमें, तो ये देखें इसमें बीफ डाल दिया हमने। अब इसको अच्छी तरह से पकने देंगे हम। ये देखें अच्छी तरह से इसमें पानी जो है ना वो इसे अच्छी तरह खुश्क करेंगे पानी को। ये देखें, और हाँ सर प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें हमारा रेडी हो गया। हमारा बीफ तो रेडी हो चुका है 80-90%, बस 10% ये देखें आप चेक करें ज़रा। हमारा काफ़ी अच्छा हो गया है मसाला। इसमें अब थोड़े थोड़े ऊपर से ना हमने हरा धनिया जो था ना वो इसमें डाला के थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। ये देखें इसे अब डोइंग विचार करके देते हैं, थोड़ा सा और 80% में हो चुका है। मैं आपको वेट करके 5 मिनट वेट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें हमने 5 मिनट वेट किया है, अब आपको दिखाता हूँ। ये देखें हमारा रिज़ल्ट क्या निकला है। ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा बीफ कढ़ाई तैयार हो चुकी है। प्लीज़ हमारा लाइक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत बहुत